हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मयंक तोमर आपका सभी अपेक्स अड्डा क्लासी पे स्वागत करता हूँ। आज हम एक जीव विज्ञान बायोलॉजी के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं, जिसमें लगभग हमारे पास 555 की एक सीरीज रखेंगे, और जिन एग्ज़ाम में हमारे पास बायोलॉजी आ रही होगी उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हेल्पफुल होंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ एडिशनल फैक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट नंबर वन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअली में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में हमारे क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, भोजन का संचय कर लेते हैं तथा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर देखा जाए तो हमारे पास केवल तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स में, जैसे पहले प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें तो मोनोसैकेराइड के अंदर हमारे पास जैसे क्या क्या आते हैं इसके अंदर? ग्लूकोज आता है, ठीक है, हमारा फ्रक्टोज आता है, तो ये सब मोनोसैकेराइड के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, तो सेकेंड टाइप में हमारे पास आता है डाईसैकेराइड। क्या आता है? डाईसैकेराइड। तो डाईसैकेराइड। और नंबर तीन की अगर हम बात करें, नंबर तीन में हमारे पास आता है पॉलीसैकेराइड। नंबर थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड की अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास स्टार्च होता है, जैसे हमारा एक मिनट रुकिएगा, स्टार्च, स्टार्च जो है ये हमारा एग्जांपल हैगा पॉलीसैकेराइड का। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास तीन टाइप के होंगे। ये हमने इसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी। तो इसमें हमारे पास जो है इसका ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एक्चुअली जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है हमारे शरीर की जितनी भी हमारे शरीर की जो बनावट होती है, संरचना होती है, उसमें हमारे लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हमारे पास 20 प्रकार के 20 लगभग ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसमें हमारे पास जिससे मिलके हमारा क्या बनता है? शरीर की संरचना बनती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें जे बेल्जियस, तो जे बेल्जियस ने सबसे पहले हमारा क्या किया था? प्रोटीन शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी मैं देख लेते हैं फंक, जैसे हमारे पास फंक दिया गया है, फंक ने क्या किया था? फंक ने हमारे पास विटामिन की खोज किसकी खोज की थी? फंक ने। विलियम्स हार्वे की बात करें तो इसने हमारे पास जो रक्त है, ब्लड है, ब्लड की खोज की थी। अगर बात करते हैं फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने हमारे पास एक टैबलेट थी पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। लेकिन यहाँ बात की गई है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की खोज करने वाले कौन थे? जे बेल्जियस। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का वजन कितना होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे पास कौन सी होती है? आपको पता है सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी होती है यकृत। कौन सी होती है? लीवर, यकृत। और इस यकृत में अगर हम बात करें, तो इस यकृत की अगर हम बात करते हैं, तो इस यकृत के जो वेट होता है, इसका जो लीवर होता है, इसका वेट लगभग हमारा होता है 1.5 kg to 2 kg, 1 किलो से लगभग 2 किलो के बीच में। और अगर हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो नियर अबाउट है, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि का नाम है वो यकृत है, और जो यकृत का वेट होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 से 1.5 से 2 किलो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह एक बीमारी है, और जो मधुमेह होता है ये होता है हमारा इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर वन सही होगा इसका, बिल्कुल ठीक है। और बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन से जो हमारे पास रोग होता है वो कौन सा रोग होता है? आपको पता ही है, एक रोग होता है बच्चों में मेरास्मस। क्या होता है? मेरास्मस। तो मेरास्मस जो रोग होगा ये किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो होता है हमारा फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारा एनटीपीसी हुआ था पिछले वाला, उसमें सिर्फ सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन डिस्कस किया गया कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो जो होता है वो होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? और ये सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि जो है हमारी वो होती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। ये सबसे जो बॉडी के लिए सबसे हेल्पफुल होती है, यही हमारे पास पीयूष ग्रंथि होती है। प्लीहा की अगर आप बात करें बच्चों, तो प्लीहा एक ऐसा स्थान है हमारे शरीर का जहां पर जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और आरबीसी की कब्रगाह ही किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन, अगर आप यूपीपी से 2018 का क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा लड़ो उड़ो हार्मोन्स की बात करता है। लड़ो उड़ो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे शरीर में अचानक से हमको डर लगता है तो उससे बचाने के लिए जो काम करता है वो लड़ो उड़ो हार्मोन होता है। हार्ट अटैक से हमको बचाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से। और लड़ो उड़ो हार्मोन जो है ये हमारा होता है एंड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करें तो एंड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन B12 को बोला जाता है साइनोकोबालमिन। लेकिन टोकोफेराल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो टोकोफेराल जो विटामिन ई है तो विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेराल। थायमिन की बात करें तो विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से बोला जाता है। और फोलिक अम्ल तो सब जानते ही हैं, ठीक है। चलिए विटामिन के ऊपर एक नया लेक्चर बनाएंगे, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है। सोयाबीन में प्रोटीन का जो मात्रा होता है वो होता है 42%। तो ऑप्शन नंबर 1, हमको बताया गया कि प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में होता है, लेकिन 60% नहीं होता, 80% नहीं होता, कितना होता है? 42% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? हम सबको पता है माइंड के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे अभी, उसको आप देखेंगे, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। माइंड को 3 पार्ट में बांटा गया है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन हम यहाँ बात करें अगर मस्तिष्क की, तो अगर मस्तिष्क होता है, अगर मस्तिष्क को बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। और अगर बात करें कि जो हमारा माइंड होता है उसका टोटल जो वेट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1400 ग्राम वेट होता है। किसका? माइंड का वेट होता है। चलिए आगे बात करते हैं। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? देखो आपको पता है हमारे पास जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोआ जिसको परजीवी बोल देते हैं, इनके कारण होने वाली बहुत सी बीमारियां होती हैं। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर जीवाणु की, तो देखो जीवाणु से होने वाली कुछ बीमारियों के नाम हम दिखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा प्लेग है, प्लेग है ना, एक होता है, ये होता है तपेदिक, डिप्थीरिया। तो ये सब बीमारी होती है किससे? ये होती है सब बीमारी हमारी जीवाणु से। अगर हम बात करें हमारे पास जब अब आता है कौन सा, इससे हम बात कर लेते हैं विषाणु से। तो विषाणु से जो बीमारियां होती हैं, देखो विषाणु से आपको पोलियो हो जाता है, विषाणु से क्या होता है आपको? पोलियो होता है, ठीक है ना, एड्स हो जाता है, ठीक है, इसके बाद आपको चेचक हो जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब जो इसके होने वाले क्या हैं? विषाणु से। फफूंद की बात करें तो फफूंद से हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, फफूंद से होने वाला जो बीमारी है वो हमारे पास क्या है? गंजापन है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या दी हुई है? एथलीट फुट है, जो खाज है, दाद है, ये सब हमारे पास जो फफूंद से होने वाली बीमारियां हैं, तो ये होती है। हमें पूछा गया एथलीट फुट के बारे में, तो एथलीट फुट से होने वाली बीमारी का जो है वो क्या होगी? फफूंद से होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टीटनस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टीटनस जो हमारे पास शरीर का जो हुआ वो होगा तंत्रिका तंत्र, ये हमारे नर्वस सिस्टम को खराब करता है, तंत्रिका तंत्र को खराब करता है टीटनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तंत्रिका तंत्र किसको खराब करता है? टीटनस के द्वारा खराब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछी गई है, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो फीमर जो हड्डी है, फीमर जो एक जांग की हड्डी होती है, हमारी जांग में पाई जाती है, थाइज में पाई जाती है फीमर, तो ये सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेप्स की बात करें तो हमारे कान की हड्डी होती है, और ये सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी? स्टेप्स।
चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हेपरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेपरिन एक प्रोटीन होता है जिसका निर्माण हमारे यकृत में होता है और ये स्वयं निर्माण होता है यकृत के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हेपरिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रक्त का कितने भाग प्लाज्मा होता है, यानी रक्त में कितने भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है? तो आपको पता है रक्त में प्लाज्मा का बोरा, आसान सा क्वेश्चन है, 60% जो है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? WBC की बात कर रहे हैं, WBC का जीवन काल पूछे। देखो WBC का जो जीवन काल होता है वो लगभग 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का। और यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो नियर अबाउट ये दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं RBC की, रेड ब्लड सेल्स की, तो ये 20 से 120 दिन होता है। और ये हमने पढ़ा है प्लीहा यकृत में जाके ये खत्म हो जाती है। और WBC ही हमारे पास जो हमारी रोगात्मक प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, बॉडी की, ये उसी को बढ़ाती है। तो WBC ही हमें बीमार होने से बचाती है, लड़ती है हमारे रोगों के साथ। ठीक है, नंबर 18, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो जो भोजन का पाचन आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? हमारे मुख से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए के कारण होता है, विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी हो जाएगा। विटामिन ए का जो नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, क्या होता है? रेटिनॉल, ये रासायनिक नाम है। विटामिन बी की बात करेंगे तो थायमिन, थायमिन किसका नाम होता है? विटामिन बी का नाम होता है, रासायनिक नाम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, इनके नाम होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पूरे वीडियो में बता दूंगा, सी का नाम क्या होता है और डी का नाम क्या होता है, सब करा देंगे इसको। ठीक है, और हाँ एक बात और देखिएगा, जो विटामिन में आपका KEDA, ये जो विटामिन होते हैं ये आपके वसा में घुल जाते हैं, वसा में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलते हैं, ये वसा में नहीं घुलते हैं, ये आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, फिलोसफिक जियोलॉजिक बुक है एक, ये किसने लिखी है और ये आप बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिलोसफिक जियोलॉजिक जो बुक लिखी है वो लिखी है हमारी किसने, लैमार्क ने। किसने लिखी है? लैमार्क ने। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस 555 की सीरीज का। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड करेंगे, बने रहिए अपेक्स अड्डा के साथ। थैंक यू सो मच।